सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं हेलो लगता। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए बिना क्रोशिया बिना सिलाई से बनाए हुए डोरमेट लेकर आई हूँ, जो मैंने यहाँ पे कई कलर की वूल से बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके से, और इसमें मैंने 5 कलियाँ लगाई हुई हैं। आप 5 का 6 का 7 का 8 का जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और मैंने आपको बता देती हूँ, मैंने इसका सारा माप इसमें बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अंदर वाली कली को मैंने यहाँ पे 10 इंच का बनाया हुआ है, इसको 15 इंच का, फिर 20 इंच का, फिर 25 इंच का। इस तरह से मैंने इसकी चारों ये पट्टियाँ बनाई हुई हैं। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये जरा सी देर में ही बन जाता है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, ये साड़ी का भी बन जाएगा। आप साड़ी चुन्नी आपके पास जो भी हो, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो किस तरह से मैंने इसको बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। कली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कलर का फूल लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस कलर की पट्टी बनाऊँगी। सबसे पहले आप जौन सा कलर बीच में रखना चाहते हैं वैसे ही कलर लीजिएगा। मैंने ये वाला कलर बीच में लिया हुआ है, तो इसको हम 10 इंच का कट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको 10 इंच का लिया हुआ है। यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे और इसके हमें 18 इस तरह के पीसेस निकालने हैं बोन। इसी तरह से हमें यहाँ से इसके 18 पीसेस निकालेंगे। तो 18 पीस को हम तीन तीन भाग में बांटेंगे, तो हमारे 6 6 6 हो जाएंगे तीनों जगह। तरह से हमारी 18 पीस कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ से हम सारे धागे इकट्ठे लेके यहाँ से हम बराबर कर लेंगे, इनको कट कर देंगे और ये हिस्सा हम बांध देंगे। यहाँ से हम कोई भी धागे से यहाँ पे इसका ये हिस्सा बांध देते हैं। ये नोट लगाएंगे ताकि ये खुलेगा नहीं। नीचे वाला भी हिस्सा हम कट कर देंगे। ये हमारे जॉइंट हैं, उनको हम इस तरीके से सारी पीस एक साथ लेके इस तरह सेट कर देंगे। और इनको 3 भागों में बांटेंगे हम, 6 6 पीस आ जाएंगे हमारे पास। मैंने यहाँ पे इसके 3 पीस कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसकी इस तरह से चोटी बनाएंगे। ज़्यादा हमें ढीला भी नहीं और टाइट भी नहीं, इस तरीके से। चोटी बनाएंगे हम। इसको हमने 10 इंच का लिया हुआ है, और इससे नेक्स्ट वाला हम 15 इंच का लेंगे। इस तरीके से, और यहाँ से भी हम नीचे इसको धागे से बांध देंगे ताकि ये खुलेगा नहीं। एक पीस हमारा इस तरह से बनके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम इसको धागे से बांध देंगे जैसे कि हमें ऊपर बांधा था। दूसरा कलर मैंने ये पिंक कलर लिया हुआ है, इसको हम 15 इंच का कट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 इंच का कट करना है, और इसके भी हमें इसी तरह से 16 पीसेस बनाने हैं। जैसे कि हमने उसके बनाए थे 16 पीसेस, इसके भी बनाने हैं। और इसकी भी हम इसी तरह से 16 पीस बना के इसको 3 भागों में 6 6 बांटेंगे हम।
और इसकी भी चोटी बना के कंप्लीट। मैंने इस तरह से चारों पीस बना के कंप्लीट कर ली है। पहला पीस मैंने 10 इंच का कट किया हुआ है, दूसरा पीस मैंने 15 इंच का कट किया हुआ है, और तीसरा पीस मैंने 20 इंच का कट किया हुआ है, और चौथा पीस मैंने 25 इंच का कट किया हुआ है। अब इनको किस तरह से हमें ज्वाइंट करना है, मैं आपको पहले मैंने ये छोटा वाला पीस लिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से सीधा करेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से हम टाँका लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसको टच कर दिया है, ये हमारा इस तरह का आ चुका है। अब इसके पास जो हमने ये लिया था 15 इंच का, वो यहाँ पे लगाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा हमें इस तरह से इसमें घुमा के इस तरीके से पूरा हमें इसको जॉइंट करना है यहाँ पे इस तरह से। देखिए मैं यहाँ से आपको जॉइंट करना बताती हूँ। जॉइंट हमें एक ही साइड से करना है, दोनों साइड से नहीं करना है। इसकी जो हम रॉन्ग साइड रखेंगे वहाँ से हमें इसको जॉइंट करेंगे, तो यहाँ से हमें इसकी रॉन्ग साइड रख रही हूँ, तो यहाँ से हमें इस तरह से इसको जॉइंट करना है ऐसे। धागा दिखना नहीं चाहिए, इसे हमें अंदर से लेना है। देखिए सिलाई दिखेगी नहीं हमारी, ये हमारी एक इस तरह से एक चोटी सी इस बीच में से इससे लिया, दूसरी चोटी से निकाला इस तरीके से और खींच दिया, तो हमारा धागा दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हमें पूरा नीचे तक इसको जॉइंट करना। देखिएगा फ्रेंड इस तरफ से हमारा इसका सीधा साइड है, तो देखिए ऐसा आएगा आगे की साइड से हमारा, तो ये इसके ऊपर से आ जाएगा, ये दब जाएगा नीचे का ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा। हम इसको सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से, बाकी बचा हिस्सा हम यहाँ से ऐसे टच कर देंगे, तो हमारा दिखाई नहीं देना चाहिए, तो हमारे इस तरह से ये पूरा जॉइंट हो जाएगा। जिस तरह से हमने 10, 15, 20, 25 हमने इस तरह से कट किए हुए हैं पीसेस बनाए हुए हैं, वैसे ही हमें इसमें जॉइंट भी करना है। मैंने इसमें दो पीस अभी जॉइंट किए हुए हैं, दो हमारे पास और बाकी हैं। आप इसको ऊन से या धागे से भी किसी से भी सिल सकती हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये इस वाले पीस को भी हम इसी तरह से इसमें सिल देंगे, इस तरीके से जैसे कि हमने इसको जॉइंट किया हुआ है। चारों पीस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसी तरह सारे पीस यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। ये मेरा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये राइट साइड से ऐसा, और हमें इस तरह से 6 पीस बना के कंप्लीट करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर के पीस बनाए हुए हैं, कुछ इस कलर के, कुछ दूसरे कलर के, 3 इस कलर के, 3 दूसरे कलर के, आप चाहें तो एक कलर का ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए बाकी पीस भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मेरे सारे पीस बन के रेडी हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे 6 पीस बना के कंप्लीट किए हुए हैं। इस तरह से हमें इनको जॉइंट करना है, यहाँ से हम एक कलर ये वाला लगाएंगे, एक कलर ये वाला लगाएंगे, इस तरीके से हमें यहाँ से इन दोनों को यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे। इतना इतना पीस हमको जॉइंट करना है, तो ये हमारा ऐसे करके जॉइंट होगा। इस तरह से मेरी ये जॉइंट हो चुकी है, अगला भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। ये वाला पीस हमने लिया है, ये इसका राइट साइड है, तो राइट साइड को हम इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर, और यहाँ से, और इसका भी राइट साइड है दोनों का, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक इस कॉर्नर तक इसकी सिलाई कर देंगे। जितना गैप हमें रखना है ऊपर उतना छोड़ेंगे हम, और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे।
इसको भी ज्वाइंट कर लिया है और बाकी पीस भी हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। हमें ऊपर उल्टा वाला हिस्सा रखना है और आगे सीधा वाला रखना है और इसको दोनों को मिलाकर इधर से और इधर तक हमें सिलाई करना है। यहाँ के कॉर्नर से लेके यहाँ के कॉर्नर तक हमें सिलाई करना है। सारे पीस हम इसी तरह से ज्वाइंट, इस तरह से मेरे बनके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप और भी इसमें कलियाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको 5 कली का बनाया हुआ है। आप 6 का, 7 का, 8 का जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उस तरह से इसको बना सकते हैं। देखिएगा जैसे भी कलर आप इसमें ऐड करेंगे ये उतना ही सुंदर दिखाई देगा। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।